नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग और मैनेजमेंट पर। आज का हमारा लेक्चर है डिजिटल बिजनेस एंड कॉमर्स के बारे में, लेक्चर 3। देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं। लेक्चर का एजेंडा इस प्रकार है: इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, डिजिटल बिजनेस मॉडल, डिजिटल कॉमर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्या महत्ता है डिजिटल मार्केटिंग की, ये हम सब जानते हैं, और कुछ मुख्य बिंदु पर हम बातचीत करेंगे, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। डिजिटल बिजनेस इज ब्रॉडर इन इट्स स्कोप देन ई कॉमर्स। बहुत सारे लोगों को इस बारे में शंकाएं हैं कि डिजिटल बिजनेस क्या है, ई कॉमर्स क्या है। तो हमने संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखा, जो डिजिटल बिजनेस है वो एक बड़ा टर्म है इन कंपेरिजन टू ई कॉमर्स। डिजिटल बिजनेस इंक्लूड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो सरल शब्दों में ये कहें कि डिजिटल बिजनेस क्या क्या चीज़ों को अपने आप में इंक्लूड करता है, शामिल करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शामिल करता है, मार्केटिंग को शामिल करता है, मैन्युफैक्चरिंग को करता है, इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। डिजिटल बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज प्रमोशन एंड द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मार्केट रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग। तो डिजिटल बिजनेस ई कॉमर्स के कंपेरिजन में ब्रॉडर है, क्यों है वो मैंने आपके साथ साझा किए। डिजिटल मार्केटिंग यूजेस मार्केटिंग मेथड्स प्राइमरीली डिपेंड ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज सोशल नेटवर्क्स, इंटरनेट एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। डिजिटल कॉमर्स, जिसको हम बोलचाल में डी कॉमर्स भी कहते हैं, कभी कभी ई कॉमर्स भी कहते हैं लोग, जस्ट लाइक ई कॉमर्स मेड फॉर सेलिंग एंड डिलीवरिंग डिजिटल गुड्स ऑनलाइन। देखिए, थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस है। डिजिटल कॉमर्स क्या चीज़ है जिसको हम डी कॉमर्स कह रहे हैं, ये ई कॉमर्स जैसा ही है जिसपे हम प्रोडक्ट्स की जो है सेलिंग है या डिलीवरी है किस रूप में करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से करते हैं। डी कॉमर्स इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। क्या कह सकते हैं डी कॉमर्स को, डिजिटल कॉमर्स को भी हम एक तरीके का इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स, बिकॉज इट डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। टू चूज द राइट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर योर मार्केटिंग नीड्स इज ए क्रूशियल एंड इज ए सक्सेस पॉइंट फॉर योर बिजनेस। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि तमाम सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन माध्यमों से आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये तय करना है कि आपकी स्ट्रेटेजी उन सारे माध्यमों को एक साथ चूज करने को ना कहे जो आपके लिए हो सकता है कम लाभदायक भी हो। आप अपने लिए उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को चुनें जो आपको ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल्स आर आइडियल फॉर यंग जो है कंपनीज, इंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एज वेल एज एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो आज हम बात कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए, हर तरह के बिजनेस के लिए, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो न्यू इंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो एस्टेब्लिश्ड कंपनी हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हम लोगों तक पहुँच बनाने में आसानी रखते हैं। फॉर स्टार्टअप्स इट प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब अ शेयर ऑफ एस्टेब्लिश्ड मार्केट्स एंड ग्रो अ बिग एट बिग एट एट बिग रेट एट फास्टर पेस। ये कह सकते हैं जो स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग की देन है, इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो नए नए अवसरों को ग्रैब कर सकते हैं क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं उनके पास इतना कैपिटल नहीं हो सकता कि वो डायरेक्ट कॉम्पीट कर सकें एस्टेब्लिश्ड मार्केट को। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, डिजिटल चैनल हैं, जहाँ से आप अपने सर्विसेज और गुड्स को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, पॉपुलर बना सकते हैं। तो इसलिए डिजिटल जो प्लेटफॉर्म हैं या डिजिटल मार्केटिंग का जो पार्ट जो हम बात कर रहे हैं वो स्टार्टअप्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी गेन करने का माध्यम है। इन डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटेटिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू एन एंड यूजर। ये एंड यूजर को भी एक फैसिलिटेट करता है, मैं घर बैठे बैठे बहुत सारा सामान खरीद सकता हूँ, ये मेरे को फैसिलिटी तो है। और क्या फ़ायदा हो सकता है हमें, बिजनेस इज इजियर देन एवर बिफोर। ये दोनों चीज़ दोनों लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, कस्टमर को भी और सर्विस प्रोवाइडर को भी। मेरे को क्या फ़ायदा है, आई कैन परचेज, आई कैन फाइंड आउट द नीडफुल सर्विसेज एट माई ओन पेस, टाइम एंड नीड। ऐसे ही जो 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 बेचने वाला है, जो जो हमारा
जो रिटेलर है उसको क्या फ़ायदा है कि उसकी दुकान 24/7 ओपन है, कभी भी हम जो है शॉपिंग कर सकते हैं या अपनी सर्विसेज या गुड्स को परचेज कर सकते हैं। द डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ प्रोवाइडेड न्यू परस्पेक्टिव फॉर बिजनेस डेवलपमेंट वेयर दिस प्लेटफॉर्म कंट्रीब्यूट टू अ रिचर यूजर एक्सपीरियंस। आज के समय में अगर हम बात करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने मार्केट को एक नई दिशा दी है, एक नया परस्पेक्टिव प्रदान किया है, जिससे हम एक अलग तरह का एक्सपीरियंस महसूस कर रहे हैं। हमने अपने लेक्चर 2 में ऐसे बहुत सारे टॉप ट्रेंड्स की आपके साथ चर्चा की होगी, अगर आपने लेक्चर 2 पढ़ा होगा। लेक्चर 2 पर हमने न्यू डिजिटल ट्रेंड्स पर बात करी या टॉप डिजिटल ट्रेंड्स पर बात करी, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को एक नया ओवरव्यू ओवरलुक ये कह सकते हैं प्रदान किया है, जिसके माध्यम से आज हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो टोटली चेंज्ड है। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद मुख्य रूप से हम क्या क्या सीखेंगे, मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि डिजिटल बिजनेस और डिजिटल कॉमर्स क्या चीज़ है। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में डिजिटल बिजनेस मॉडल क्या हो सकते हैं, और साथ ही हम ये भी आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग का महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो हमारे लिए किस प्रकार हो सकता है। आइए डिजिटल बिजनेस मॉडल पर बात करते हैं। नाउ डेज सॉफ्टवेयर आर एबल टू एनालाइज कंट्रोल एंड इंट्रैक्ट विथ डिवाइसेस इक्विपमेंट एंड पीपल। आज के समय के जो सॉफ्टवेयर हैं वो डेटा को तो एनालाइज करते ही करते हैं, वो आपके डिवाइसेस के साथ, आपके इक्विपमेंट्स के साथ, आपके कस्टमर के साथ भी इंट्रैक्ट करने के कैपेबिलिटी रखते हैं, इंट्रैक्टिविटी भी क्रिएट करते हैं। फर्म्स अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज आर एम्ब्रेसिंग इंटरनेट बेस्ड, जिसको हम इंडस्ट्री 4.0 भी कह रहे हैं, कि आज की इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मेजोरिटी ऑफ जॉब्स हम क्या देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक नेचर पे होती जा रही हैं। तो ये डिजिटाइजेशन स्ट्रेटजीज का ही बात है, हमें अपने बिजनेस मॉडल को इस रूप में चेंज करना पड़ेगा कि हमारा आउटकम इम्प्रूव कैसे हो, आउटकम आउटपुट या जो हमारा प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें ऑटोमेशन अगर इस्तेमाल करना है हमें करना पड़ेगा, जिससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी और हमारा सर्विस जो जो प्रोडक्शन है वो फास्ट होगा। तो ये डिजिटल बिजनेस मॉडल की चर्चा हम कर रहे हैं। द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल एंड द डायनेमिक कैपेबिलिटीज दैट हेल्प डिजाइन इम्प्लीमेंट एंड रिफाइन अ मॉडल। जैसे हम बात कर रहे थे इंडस्ट्री 4.0 पर, कि आज का जो बिजनेस मॉडल है वो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता। अगर मुझे अपने बिजनेस में, अपने मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो मुझे करना पड़ेगा, उसके मुझे बहुत सारे फायदे हैं। मेरा डिजाइनिंग एफिशिएंट होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन फास्टर होगा, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को रीडिफाइन करने का मौका लगेगा, जिससे कि मैं इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पीट बराबर रख सकूं, और हो सकता है आने वाले समय में मुझे इसका अच्छा गेन भी मिले। अ गुड बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ एंड व्हाई कस्टमर्स सप्लायर्स एंड कॉम्प्लीमेंटर्स इंट्रैक्ट विथ द कंपनी थ्रू द डिजिटल इंटरफेस। तो जो बिजनेस मॉडल है उसमें इन सब चीज़ों को हमें शामिल करना होगा। जो टुडेज डिजिटल मॉडल है, जो टुडेज बिजनेस मॉडल है, क्या डिजिटल मॉडल है, क्या बिजनेस मॉडल है, जिसमें हमें कस्टमर्स का भी ध्यान रखना है, सप्लायर्स का भी ध्यान रखना है, जो हमारे कॉम्प्लीमेंटर्स हैं, इन सब के साथ कंपनी को इंटरेक्टिविटी बैठाए रखनी है, किसके माध्यम से, थ्रू अ डिजिटल इंटरफेस। अ बिजनेस मॉडल हैज मैनी मूविंग पार्ट्स। बिजनेस मॉडल इज नॉट ए स्टैटिक वन, इट्स नॉट अ फिक्स्ड, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल वन। मूविंग पार्ट्स कैसे कैसे मूविंग पार्ट्स हैं, ऑल ऑफ विच मस्ट वर्क टूगेदर, कैसे काम करेंगे एक साथ वो, अगर मूविंग पार्ट है तो उनको उनको एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी भी तो बैठाए रखनी है। ये काम कौन करता है, डिजिटल मॉडल काम करता है, जिसमें हम सारे लोगों को आपस में जोड़ के उनका यूँ कह सकते हैं कि उनकी कनेक्टिविटी हम आपस में शेयर कर सकते हैं। द मॉडल एज ए होल मस्ट ऑल्सो भी अलाइंड विथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी कल्चर एंड रिसोर्सेज। तो हम अपने बिजनेस मॉडल को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है मॉड्यूलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर द रिफाइनमेंट स्ट्रेटजी, जब जब हम अपने मॉडल को, अपने बिजनेस मॉडल को रिफाइन करते जाएंगे तो इसका हमें लाभ मिलता है। डिजिटल कॉमर्स क्या चीज़ है, डिजिटल कॉमर्स जैसे हमने कहा बोलचाल में डी कॉमर्स भी कहते हैं, इट्स जस्ट लाइक ई कॉमर्स मेंट फॉर सेलिंग एंड डिलीवरिंग डिजिटल गुड्स ऑनलाइन। ये पहली बात आपके साथ कर चुके हैं। डिजिटल कॉमर्स डील्स विथ ओनली डिजिटल गुड्स, ये ध्यान देने वाली बात है, नॉट टेंजेबल गुड्स और सर्विसेज। इन डिजिटल कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बोथ आर डन ऑनलाइन, देयर इज नो फिजिकल प्रोडक्ट
which is delivered is called digital commerce. Digital commerce goes beyond simple online transactions. Digital commerce में हम सिर्फ online transactions को शामिल नहीं कर सकते हैं. क्या है? It also includes research, development, marketing, services, selling and buying products for all devices and platforms, including desktop, mobile, tablet, whatever. So, तो आज के डिजिटल मार्केटिंग की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, हम काफ़ी सारे चर्चा इस मामले में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर चुके हैं. आप हमारे लेक्चर्स को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आप ये बात जान रहे होंगे कि आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. फिर भी कुछ बिंदुओं पर हम आपके साथ इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग साझा कर रहे हैं. क्या चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग? इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड कस्टमर्स एक्सपीरियंस थ्रू अ डिजिटल चैनल. बहुत कम शब्दों में हम कहें कि जो डिजिटल मार्केटिंग का जो रोल है वो क्या है, वो इंटीग्रेट करना है किस किस को, एक तो कस्टमर के एक्सपीरियंस को, दूसरा डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग जो चैनल्स हैं उनको हम एक लुक दे सकें. क्योंकि सारे डिजिटल मार्केटिंग जो चैनल हैं उनका उद्देश्य क्या है, अवेयरनेस ऑफ ब्रांड, इंक्रीजमेंट ऑफ सेल और सर्विसेज, वट एवर, टू गेन अ प्रॉफिट इन बिजनेस, ये सब चीज़ों के लिए हम कर रहे हैं. डिजिटल मार्केटिंग ऑफर्स अ प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इंक्रीजिंग एंड इम्प्रूविंग द इंट्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स विथ करंट एंड प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स, थ्रू डिफरेंट सोशल जो है डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड सो ऑन. डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेस टू डेवलप अ वाइडर कस्टमर बेस. इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम आपको बताएं कि अगर आप कोई चीज़ आज लॉन्च करते हैं एक फिजिकल लोकेशन पर, पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि आपने आज क्या लॉन्च करा. आप देखते होंगे मोबाइल वगैरह की या नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग होती तो हमें बैठे बैठे पता लग जाता है आज ये वाला नया फ़ोन लॉन्च हो गया है. ये इसकी खूबी है. डिजिटल मार्केटिंग इनकरेज कस्टमर्स टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद बिजनेस. अब डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम डायरेक्ट जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उससे प्रोडक्ट खरीदने का दम रखते हैं. डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट लिमिटेड बाय कन्वेंशनल ओपनिंग टाइम्स. हम पहले भी बात कर चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग में आप जब चाहें तब अपना जो है इंट्रैक्शन या सेल और परचेज कर सकते हैं. दोनों के लिए इस रूप में फ़ायदेमंद है. तो आगे बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स कंपनी, कंपनी को कैसे फ़ायदा पहुंचाती है. कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, कंपनी का पॉपुलैरिटी बढ़ता है, कंपनी किसी फिजिकल लोकेशन पे बाध्य नहीं रहती. और कस्टमर को कैसे फ़ायदा है, कस्टमर के पास ये फ़ायदा है कि द कस्टमर कैन फाइंड आउट, कैन डू रिसर्च सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. आज मेरे पास खुली छूट है, मुझे एक किसी एक्स कंपनी का कोई फ़ोन ख़रीदना है तो मैं उस तरह के फ़ोन के फीचर को अगले 5 अलग अलग जगहों पर रिसर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ कि इस जैसा फीचर का फ़ोन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर किस रेट पर मिल रहा है, तब जाके मैं कोई निर्णय लेता हूँ. तो ये कस्टमर के लिए जो है एक दूसरा मैंने प्रॉस्पेक्ट्स आपको पेश किया. डिजिटल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स एंड रीच आउट टू द कस्टमर्स. आज के समय में अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्रमोट करने का एक बहुत बेहतरीन नायाब तरीका डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स. तो आज हमने क्या क्या आपके साथ चर्चा करी, डिजिटल मार्केटिंग पर हमने बात करी, उसके डिजिटल कॉमर्स पर हमने बात करी, हमने बात करी कि आज डिजिटल मार्केटिंग का क्या क्या महत्वपूर्ण फीचर है जो कस्टमर्स को या फिर कंपनीज को फ़ायदा पहुँचाता है. डिजिटल बिजनेस इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू बिजनेस डिजाइन. हमने पहले भी इस पर बात करी कि जो डिजिटल बिजनेस है उसने आपके पूरे डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड को, फिजिकल वर्ल्ड को एक न्यू लुक दे दिया है. डिजिटल बिजनेस सस्टेनेबल इंटीग्रेट्स ह्यूमन रिसोर्सेज. हमने ये भी बात करी कि आज हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करें जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पर या सर्विस पर मैक्सिमम जगहों पर हम ऑटोमेशन के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं. तो ये कुछ मुख्य बिंदु हमने आपके साथ साझा करें. डिजिटल कॉमर्स क्या चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग मींस ऑल मार्केटिंग चैनल्स दैट एंड मेथड्स यू कैन यूज टू प्रमोट सर्विसेज प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट. बहुत कम शब्दों में सारा सार मैंने आपको एक अगर एक लाइन में कहें तो डिजिटल मार्केटिंग से आशय उन सारे माध्यमों से है जिनसे आपके बिजनेस की, आपके सर्विसेज की, आपके गुड्स की
पॉपुलरिटी अवेयरनेस लोगों के बीच बढ़ती है और कंपनी को उसका बेनिफिट होता है। ये कम शब्दों में हमने पूरी बात आपको समझाने की कोशिश करी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हम इसी तरह से आपके साथ आगे लेक्चर्स पे मिलेंगे, जिस पे हम डिजिटल मार्केटिंग के अन्य फ्लेवर्स पर बात करेंगे। आज के लिए यहीं हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।